हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है यासिर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आवर क्रिकेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आईपीएल की ऑल टाइम बेस्ट दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली डेयरडेविल्स और दिल्ली कैपिटल्स दोनों ही टीमों में जो भी प्लेयर आज तक रहे हैं सबको मिला के एक बढ़िया सी आईपीएल की ऑल टाइम 11 बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनके ओपनर्स की। दोस्तों, ओपन जो इनकी करेंगे वो दोस्तों वीरेंद्र सहवाग और डेविड वार्नर इनकी ओपन करेंगे, और दोस्तों डेविड वार्नर मेरे हिसाब से इनकी कप्तानी भी करेंगे। दोस्तों, डेविड वार्नर वीरेंद्र सहवाग किस वजह से, क्योंकि दोनों ही काफ़ी एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। दोस्तों, काफ़ी अच्छा बैटिंग करते हैं, स्टार्टिंग में रन अच्छे बना देते हैं टीम के दोस्तों, चाहे वो डेविड वार्नर चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो। बात कर लें दोस्तों मिडिल ऑर्डर की, दोस्तों नंबर 3 पे खेलेंगे गौतम गंभीर, नंबर 4 पे खेलेंगे श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर ऋषभ पंत। दोस्तों, नंबर 3 पे गौतम गंभीर इस वजह से क्योंकि गौतम गंभीर इंडियन टीम के लिए भी जब इन्होंने वर्ल्ड कप खेले हैं तब भी इन्होंने वन डाउन खेला, वन डाउन में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता था, ऐसा नहीं कि खाली ओपन में रहता था, वन डाउन में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। दोस्तों, श्रेयस अय्यर नंबर 4 के स्पॉट पे सबसे बेस्ट प्लेयर है दोस्तों, क्योंकि इंडियन टीम में वो नंबर 4 पे खेलते हैं, काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, और दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी वो दोस्तों नंबर 4 पे खेल के काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, इस वजह से नंबर 4 पे वो रहेंगे। और दोस्तों, ऋषभ पंत तो हम लोग जानते हैं क्यों नंबर 5 पर, क्यों वो टीम में है, क्योंकि ऋषभ पंत जैसा हार्ड बैट्समैन, इतना हिटर टाइप बैट्समैन बहुत मुश्किल से मिलता है। बात कर लें दोस्तों अब ऑलराउंडर की, दोस्तों ऑलराउंडर की बात कर लें, 6 नंबर पे आंद्रे रसल और 7 नंबर पे क्रिस मॉरिस। दोस्तों, आंद्रे रसल का किसी टीम में ना होना, जब वो टीम से खेल चुका है और ऑल टाइम बेस्ट 11 में ना होना, ये तो बहुत खराब सी बात है। आंद्रे रसल जैसा प्लेयर ना हो खराब बात है, तो आंद्रे रसल तो है दोस्तों, और दोस्तों क्रिस मॉरिस भी हैं, क्योंकि क्रिस मॉरिस भी गेंदबाजी अच्छी करते हैं डेथ ओवर्स में, और बल्लेबाजी भी वो कर देते हैं अच्छी खासी। बात कर लें दोस्तों बॉलर की, दोस्तों 8वें नंबर पे कगिसो रबाडा, 9 नंबर पे दोस्तों जहीद खान, 10 नंबर पे अमित मिश्रा और 11वें नंबर पे दोस्तों आशीष नेहरा। दोस्तों, कगिसो रबाडा जैसा बॉलर दिल्ली की टीम को ढूंढने से बहुत कम मिलेगा दोस्तों, के जैसा इतना बढ़िया गेंदबाज, और दोस्तों जहीर खान भी जब खेलते थे तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते थे दिल्ली के लिए, कैप्टनसी भी करते थे वो, काफी अच्छी कैप्टनसी और बॉलिंग दोनों ही करते थे। और दोस्तों अमित मिश्रा काफी टाइम से दिल्ली के लिए खेल रहे हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, और दोस्तों आशीष नेहरा भी जब तक आईपीएल में खेले हैं या इंडियन टीम के लिए खेले हैं तो उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे मेरे हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स की ऑल टाइम बेस्ट 11। अगर आपकी टीम अलग है या आपकी टीम और कुछ है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी अपनी नई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों, घर से बाहर ना निकले, लॉकडाउन का पालन करें, स्टे होम।